अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो, इस वीडियो के बारे में कुछ ऐसी अहम बातें जिनसे आप ना वाकिफ हैं, वाकिफ और आश्कार करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम मुस्कान है, ये हिजाबी गर्ल के नाम से जानी जा रही है। इसने हिजाब पहना हुआ है और ये जितने भी कॉलेज के लड़के हैं वो सारे के सारे मफलर लहराते इसके पीछे भागते हुए आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिजाब बिल्कुल भी नहीं पहना जाए, जबकि इस कॉलेज में बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि हिजाब पहनकर जाया करती थी और उनमें एक जरूरतमंद लड़की थी जिसने जाकर हिजाब पहनकर उन सबके सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोस्तों, इस बहादुर लड़की की जरूरत को सलाम। अब ओवैसी साहब ने भी इस लड़की की बहुत ही ज्यादा जरूरत को सलाम पेश किया और इस बहादुर लड़की की तारीफ की। मोदी जी तक ये खबर पहुंची और ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने इस लड़की के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है और ये इनाम के तौर पर ऐलान कर दिया है कि मोदी के मुताबिक लड़की बिल्कुल दुरुस्त थी और वो जो लड़के थे, जो आवारा लड़के थे उस कॉलेज के, वो सभी उन लड़कों को बैन कर दिया है और उस कॉलेज में उन लड़कों को सजा के तौर पर जेल भी पहुंचा दिया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।